इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड रोहन एंड रोहन मदर एज ओके एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट रोहन एंड रोहन मदर एज डिफरेंस इज ट्वेंटी सिक्स सो रोहन सन है और ये मदर है इसका मतलब मदर की एज रोहन से ट्वेंटी सिक्स ज्यादा होगी अब देखिए इसे क्वेश्चन जब हमें सोल्व करना होते हैं वो प्रेजेंट एज से सॉल्व करते हैं बट क्वेश्चन में हमें दे रखा है अगर हम प्रेजेंट एज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो रोहन की प्रेजेंट एज अगर हम कंसिडर करें एक्स तो उसकी मदर की जो एज निकल के आएगी प्रेजेंट एज वो प्रेजेंट एज देखिए एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स निकल के आएगी अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है कि आफ्टर थ्री ईयर्स तीन साल बाद तो आफ्टर थ्री ईयर्स इसमें भी और आफ्टर थ्री ईयर्स सो प्रजेंट एज रोहन की एक्स है तीन साल बाद एक्स प्लस थ्री होगी और प्रेजेंट एज मदर की एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स है आफ्टर थ्री ईयर्स एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन हो जाएगी जब इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाता है इन दोनों का तो x प्लस थ्री और x प्लस ट्वेंटी नाइन का जब प्रोडक्ट किया जाता है, तो जब इसकी हमें उसकी वैल्यू मिलती है वो हमें वैल्यू मिलती है थ्री जीरो सिक्स तो बताइए इन दोनों की एज क्या होगी तो इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के हम इसको सॉल्व करते हैं सो so, हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के फॉर्म में अब देखिए हम यहाँ से श्रीधराचार्य मेथड लगा के हम इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं सो so, देखिए हमने बी स्क्वायर माइनस फोर में अप्लाई किया ए की वैल्यू आपके पास वन है बी थर्टी टू है सी माइनस का टू सेवेंटी थ्री है बी स्क्वेयर माइनस फोर एसी अप्लाई करेंगे थर्टी टू का स्क्वायर वन जीरो टू फोर हो जाएगा माइनस फोर ए सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू वन वन सिक्स इसकी वैल्यू मिलेगी टू वन वन सिक्स स्क्वायर रूट होता है फोर्टी सिक्स का अब देखिए यही सेम वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें फोर्टी सिक्स मिलेगा सेम डेटा हमने यहां पे रखा है बी के प्लेस पर आप थर्टी टू रखेंगे माइनस के कारण वो माइनस थर्टी टू हो जाएगा अपॉन में टू ए ए की वैल्यू वन है जब आप प्लस साइन लेंगे क्योंकि आप अगर माइनस लेंगे तो देखिए माइनस माइनस पूरा माइनस हो जाएगा और एज कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए आप प्लस साइन यूज करेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रोहन जिसे हमने एक्स कंसिडर करा था प्रेजेंट एज उसका आ जाएगा फोर्टीन ईयर्स और जब मदर में ट्वेंटी सिक्स एड करेंगे तो मदर का एज निकल के आएगा फोर्टी ईयर्स तो दोनों की एज जो होगी वो फोर्टीन एंड फोर्टी ईयर्स होगी